चलिए हेलो हाय दिस इज सिमरन गुप्ता यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम प्रैक्टिस सेट जो है कि आ, ये मुख्य सेविका का जो अभ्यास सेट है ये क्या है कि नौ लेकर आए हैं और हम लोग इसको भी आज सॉल्व करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उसको जो है कि उस उसपे चर्चा करेंगे तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे क्या है कि गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है ठीक अगर ऑप्शन देखे तो गर्भपात अपरिपक्वता गुर्दे का संक्रमण या इसमें से सभी बताइए जो कि गर्भावस्था में जो एक स्त्री है उसको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे जो गर्भावस्था होती है ना तो उसमें स्त्री को कोई भी स्त्री है तो उसको क्या हो सकता है उसको गर्भपात हो सकता है उसमें अपरिपक्वता उत्पन्न हो सकती है वहीं पे गुर्दे का संक्रमण हो सकता है तो ये क्या है ये सभी गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाली परेशानियां हैं तो इसका आंसर आप क्या देंगे इनमें से सभी ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम टू पे चले तो क्वेश्चन नंबर टू पे क्या है कि संगर्भा संगर्भात काल की अवधि होती है अंडे के निर्माण से अगर ऑप्शन देखें क्या कि अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक या निषेचन से निषेचन से जन्म तक या फिर जन्म से लेकर 747 तो जो गर्भात काल होता है ना ये क्या होता है निषेचन से क्या होता है निचेचन से लेकर जन्म तक की अवस्था को संगर्भात काल कहा जाता है ओके okay? तो आंसर क्या देंगे ऑप्शन सी चलिए क्वेश्चन नंबर हम थ्री पे चले कि गर्भकालीन अवस्था होती है जो गर्भकालीन अवस्था होती है क्या है गर्भ धारण से दो सप्ताह गर्भ धारण से जन्म तक या गर्भ धारण से आठ सप्ताह या गर्भ जन्म से चौदह सप्ताह तो जो गर्भकालीन अवस्था होती है ना ये क्या होती है ये गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था को ही क्या कहा जाता है गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है तो आंसर आप क्या देंगे ऑप्शन बी चलिए क्वेश्चन नंबर हम फोर पे चले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भोजन के ठीक भोजन के वहीं भोजन के निम्न अगर ये हम थोड़ा सा इस पे देखें ये क्या है कि ये गर्भधान से जन्म तक बात हुआ है तो इसको क्या किया गया है जो गर्भकालीन अवस्था होती है ना उसको प्री और पोस्ट नेटल दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है क्या किया गया है प्री नेटल और पोस्ट नेटल ठीक प्रीनेटल और पोस्टनेटल में क्या गया है? ये प्रीनेटल की बात करें ना तो गर्व जो बच्चे के जन्म होते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था होती है और वहीं पे पोस्टनेटल की बात करें तो ये जन्म के पश्चात की अवस्था होती है ये क्या होता है ये जन्म से पूर्व होता है पूर्व की अवस्था और ये क्या होता है ये होता है जन्म के पश्चात ठीक उसी प्रकार बात करें अगर प्रीनेटल की तो प्री को भी तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है जायगोट अवस्था 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 भ्रूणा और फीटस ठीक है है तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया गर्भकालीन होती है, से जन्म तक और जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है प्री और पोस्ट नेटल प्री को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है जायगोट अवस्था भ्रूणा अवस्था और फीटस की अवस्था जो जायगोट की अवस्था होती है ना ये जो होता है बच्चे जो कि निसेचन से क्या होता है जब जब जो निसेचन से पंद्रह दिन की अवस्था होती है वहीं पे अगर बात करें अवस्था की तो भ्रूणा अवस्था क्या होती है अवस्था कब तक कब माना जाता है तो अवस्था को जो है कि ना पंद्रह दिन से दिन से क्या हो जाता है दो माह तक की अवधि को ठीक और वहीं पे अगर फिटस की बात करें तो फिटस की अवधि क्या होती है ये दो माह के बाद जन्म तक ठीक जन्म तक की अवस्था को फिटस अवस्था कहा जाता है ठीक इसमें क्या होता है इसमें निर्माण होता है इसमें क्या होता है निर्माण होता है और इसमें जो है कि बच्चे का जन्म तक की अवस्था होती है तो आंसर आप क्या गर्भ धारण से जन्म तक क्वेश्चन नंबर हम फोर पे चले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भी जीवाणुओं और मध्य ताप भी सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करता है ठीक दूसरा देखिए कि भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है ठीक तो इसमें से क्या है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सत्य है बताइए ऑप्शन क्वेश्चन चार का आंसर आप क्या देंगे तो क्वेश्चन चार के आंसर की बात करें तो जो ये है ना कि अगर भोजन में भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणु मध्य तापीय भी सूक्ष्म जीवाणुओं पर निर्भर रहते हैं ये बात भी सही है ठीक वहीं पे भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता क्या हो जाती है कम हो जाती है भोजन की गुणवत्ता गुणवत्ता क्या हो जाती है कम हो जाती है तो इसका आंसर आप एक और दो दोनों देंगे ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम पे चलें कि भोज डैश भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है तो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना उष्मान शोध या फिर पेचिस क्या आप इसका आंसर देंगे या फिर पैचिस तो सूक्ष्म जीवों से जो होता है ना भोजन जन्य रोग क्या कारणों से हो सकते हैं तो जो भोजन जन्य जो रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से दूषित होता है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले, तो जो क्या होता है हैजा हैजा हुआ है क्या दूषित जल के सेवन करने से हैजा होता है तो आंसर आप क्या देंगे सूक्ष्म जीवों के दूषित होने से जो होता है कि भोजन जन्य रोग के के कारणों में से एक है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चले ओ आर एस में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है सोडियम का अवशोषण ऊर्जा का स्रोत या स्वाद या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखिए जो ओ आर एस होता है ना ओ आर एस के गोल में जो है कि जो ग्लूकोज होता है ना उसको क्या किया जाता है Mean, उसको ऊर्जा का लिए मिलाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसे डायरिया हो गया है तो डायरिया की स्थिति में क्या हो जाता है उसके शरीर से जल की मात्रा निष्कासित हो जाती है ज्यादा अधिक मात्रा में जिसे में जिससे व्यक्ति ऊर्जा की कमी आ जाती है उस अवस्था में उस व्यक्ति को क्या क्या करते हैं डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि ओ आर एस के गोल पिलाई उसे क्या होता है उस व्यक्ति में पानी की मात्रा और प्लस क्या हो जाती है ऊर्जा का भी जो है कि सामने हो जाता है तो ऊर्जा का स्रोत के लिए जो है कि यू में ग्लूकोज को मिलाया जाता है तो आंसर आप देंगे ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 पे चले कि बॉडी मार्क्स इंडेक्स बीएमआई है शरीर भार किलोग्राम प्रति शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में या फिर शरीर भार ग्राम में प्रति शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में या शरीर का भार स्क्वायर किलोग्राम प्रति शरीर की लंबाई मीटर में या शरीर का भार स्क्वायर ग्राम में शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में आप इसका आंसर क्या देंगे इसका आंसर ये देंगे कि बॉडी मार्क्स इंडेक्स जो होता है ना ये क्या कहलाता है कि शरीर भार किलोग्राम प्रति शरीर क्या होता है कि शरीर की लंबाई मीटर लंबाई स्क्वायर मीटर में ओके okay. क्या देंगे आप इसका आंसर 7 का कि 7 का क्या कि ये जो शरीर भार किलोग्राम प्रति शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में इसका आप आंसर देंगे ओके okay? तो आंसर ऑप्शन सेवन क्वेश्चन सेवन का आंसर ए आप देंगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम एट पे चले कि अघुलनशील एवं संश्लिष्ट आहार का घुलनशील आहार और घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है और घुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है अगर ऑप्शन देखें तो आत्मसात्करण आधारीय चयापचय या पाचन या आहार की तो ये क्या होगा इसका आंसर आप क्या देंगे जो आधारीय चयापचय होता है ना इसका आंसर होता है होगा और आधारीय चयापचय क्या है एक प्रकार का अगर व्यक्ति कोई व्यक्ति है अगर वो शारीरिक या मानसिक विश्राम की अवस्था में है फिर भी उसके शरीर में क्या होते हैं अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती है उसी प्रकार ताप का भी नियमन में जो है कि ऊर्जा व्यय होता है तो इस प्रक्रिया में इस अवस्था में जो ऊर्जा की खपत होती है ना उसे ही क्या कहते हैं आधारीय चयापचय है आंसर बी होगा चलिए क्वेश्चन नंबर पे चले कि निम्न में सामान्य तो कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है तो अगर ऑप्शन देखे फल और सब्जी सलाद दाल या चाय तो संतुलित आहार से ही हम क्या है कि फल और सब्जी हमें अपने खाने में अपने दैनिक दाइन, आहार में शामिल करना चाहिए वहीं पे सलाद भी हमें अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए और दालें भी लेकिन चाय क्या है ये जो है कि संतुलित आहार में हम इसको नहीं लेंगे तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा टेन पे चले कि जीवन रक्षक घोल ठीक निम्न अवस्था में दिया जाता है क्या कब दिया जाता है जब हम ओ आर एस की बात कर रहे थे तो क्या निर्जलीकरण बुखार खांसी या सिर दर्द तो निर्जलीकरण की अवस्था में जो होता है क्या किया जाता है जीवन रक्षक ठीक है जीवन रक्षक घोल दिया जाता है उसे क्या करता है व्यक्ति को तुरंत वो एनर्जी प्रदान करता है तो ये व्यक्ति में क्या करता है ऊर्जा तुरंत प्रदान करने का कार्य करता है कौन जीवन रक्षक घोल तुरंत ऊर्जा देता है ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर हम इलेवन पे चले क्या है कि मिसिंग वूमेन की संकल्पना निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है मिसिंग वूमेन

निम्न में से किस पर लागू होता है 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय पे या फिर मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदाय पे या फिर हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन पर या केवल हिंदू पे तो देखिए जो ये जो ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है जो 1956 है ना इसमें क्या किया गया था कि हिंदू सिख बौद्ध एंड जैन इन तीनों इन सभी लोगों पे क्या किया गया था इसको लागू किया गया था तो आंसर आप देंगे ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे चलते हैं कि रक्त विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को क्या कहते हैं परिवार गौत्र नातेदारी या संयुक्त परिवार थर्टीन का आंसर पे आप क्या देंगे तो थर्टीन में आप क्या बताएंगे तो जो ये नातेदारी होता है ना रक्त विवाह संबंधों पर आधारित होता है क्या नातेदारी ओके okay? इसमें क्या पाया जाता है रक्त समूह पाया जाता है ठीक आपसी संबंध पाया जाता है पारिवारिक संबंध और रक्त संबंध पाया जाता है चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चलें कि हिंदी विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से ठीक है प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है ठीक कौन सा विवाह उत्कृष्ट कोटि का नहीं माना गया है अगर ऑप्शन देखें ब्रह्म विवाह दै विवाह गंधर्व विवाह या फिर आश विवाह तो देखिए ये जो गंधर्व विवाह है ना इसे उत्कृष्ट विवाह के रूप में नहीं माना गया है इसे क्या इसे ही क्या कहते हैं इसे ही प्रेम विवाह भी कहते हैं क्या प्रेम विवाह ठीक वहीं पे अगर बात करें हम क्या कि अगर हम बात करें जो कि ब्रह्म विवाह तो ब्रह्म जो कि अगर हिंदू विवाह में जो है कि यही पे अगर बात करें तो ये ब्रह्म विवाह क्या होता है इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है ठीक इसे क्या किया गया है सर्वश्रेष्ठ माना गया है वहीं पे दैव विवाह की बात करें तो दैव विवाह एक ऐसा विवाह होता है जो कि यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ही क्या करते हैं कि वो अपनी कन्या को दे देते हैं दक्षिणा के स्वरूप में तो इस विवाह को दैव विवाह कहा जाता है वहीं पे पुरोहित को जो होता है ना कन्या को पुरोहित को कन्या दे दिया जाता है कन्या दान करना ठीक और वहीं पे बात करें आश विवाह की तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पुरुष अगर किसी कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और गाय ठीक बैल और गाय का जोड़ा देता है तो क्या हो जाता है उसे क्या किया जाता है समझा जाता है कि वो उस कन्या उस जो कि कन्या है उसे विवाह करने का इच्छुक है तो इस विवाह को आश विवाह कहा जाता है ठीक तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गंधर्व विवाह चलिए क्वेश्चन नंबर हम फिफ्टी पे चले कि नाविकीय परिवार के चार मुख्य प्रकारों में के रूप में प्रजनन बच्चों का लालन पालन नियोजन और समाजीकरण के भेद में किसने किया है ने, ने, के कपाडिया ने या पी एन प्रभु ने किसने किया है तो जो है ना ये किंग्सले डेविड महोदय ने क्या किया है इन्होंने क्या किया है नाभिकीय परिवार के चार प्रमुख पर्याय के रूप में प्रकायों के रूप में क्या किया है प्रजनन बच्चों का लालन पालन तथा नियोजन और समाजीकरण में भेद किया है किसने जो कि किंग्सले डेविस महोदय ने ओके तो आंसर आप क्या देंगे बी चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले सिक्सटीन पे कि भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई थी 1952, 1953, 1954 या फिर 55. तो भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई थी बताइए आंसर आप इसका इसका देंगे देंगे क्या देंगे? कि कि 1952 में जो है कि स्थापना किया गया था किसका ये भारतीय बाल कल्याण परिषद का ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेवेंटी पे चले कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में एक त्याई प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद कितना तीन सौ चौतीस तीन सौ पैंतीस तीन सौ इकतालीस अनुच्छेद तीन सौ तिरालीस इसका आंसर आप क्या देंगे इसका आंसर आप देंगे अनुच्छेद जो है कि तीन सौ तिरालीस में कि ये बात उसमें जो है कि ये प्रावधान आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है चलिए क्वेश्चन नंबर पे चले कि उच्चतम न्यायालय निदे, दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष दो हजार तेरह में एक अधिनियम बना दहेज मृत्यु आनर किलिंग या झूठे सम्मान के लिए, लिए हत्या या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा तो देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा ना जो है कि कार्यस्थल पर जो होता है ना महिलाओं को उत्पीड़न के लिए अगर कोई महिला को उसके कार्यस्थल पर उत्पीड़न किया जाता है तो उससे बचाव करने के लिए उसकी सहायता के लिए जो है कि 2013 में एक अधिनियम बना ठीक और वो अधिनियम क्या था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था तो आंसर आप ऑप्शन सी देंगे नाइनटीन पे देखें कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया इसका आंसर अब आप आसानी आप से दे लेंगे क्या आया किस वर्ष आया तो दो में आया किससे संबंधित है तो महिला क्या है महिला उत्पीड़न से ठीक महिला उत्पीड़न से कार्यस्थल पर के कार्यस्थल पर महिला के पर तो महिला उत्पीड़न से ये संबंधित है ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर चलें कि भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है ठीक तो भूमिका रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका का अपेक्षा या फिर दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में महिलाओं कामगारों का पलायन या फिर लिंग चयन के आधार पर गर्भपात तो इसका आंसर आप क्या देंगे ये ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरी छे, क्षेत्रों में महिलाओं या कार्यगारों का जो पलायन है ना इसका आंसर होगा ट्वेंटी uh, टू ट्वेंटी चले अब हम कि एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम आईसीडीएसपी अपनाया गया कब 1964 में 1971 में या 1974 में या फिर 1977 में तो इसका आंसर क्या है 1977 में ठीक और आईसीडीएस ठीक है ऐसे जो है कि आईसीडी की जो है कि स्थापना कब हुई थी 1975 में भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था 30 जनवरी 2006 से 2 फरवरी 2006 से या फिर 15 अगस्त 2006 से या 2 अक्टूबर 2006 से तो 22 का आंसर क्या देंगे आप कि 2 फरवरी 2006 से भारत में के लिए क्या किया गया था मनरेगा विकास जो है कि लागू किया गया था कब तो 2 फरवरी 2006 से जो है कि ये लागू किया गया था चलिए 23 पे चले 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है वास्तविक दुर्व्यवहार लैंगिक दुर्व्यवहार मौखिक दुर्व्यवहार या भावनात्मक दुर्व्यवहार तो 2005 में जो है ना क्या सम्मिलित नहीं किया गया था तो इसमें क्या किया गया था जो कि केवल, ये, क्या? कि केवल एक जो, जो, जो वास्तविक दुर्व्यवहार था ना इसको क्या किया गया था इसको सम्मिलित नहीं किया गया था चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी ट्वेंटी फोर पे चले कि किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त करते हैं के बीच अंतर का मापन जुड़ा है किस प्रकार की निर्दरता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है प्रतिवर्ती निर्धनता निर्धनता की संस्कृति या सापेक्ष निर्धनता या पूर्ण निर्धनता इसका आंसर ट्वेंटी फोर का आप क्या बताएंगे कि जो ये सापेक्ष निर्धनता है ना जो है कि इससे जुड़ा है क्या है सापेक्ष निर्धनता ट्वेंटी फाइव में देखें कि प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है प्राचीन ग्रंथों में किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है ट्वेंटी फाइव का अगर अगर हम देखें ऑप्शन की वेद पुराण उपनिषद या अर्थशास्त्र तो जो अर्थशास्त्र है इसमें क्या किया गया है कि जो है कि सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है किसमें मिलता है तो अर्थशास्त्र में मिलता है तो आप आंसर क्या देंगे ऑप्शन डी क्वेश्चन चलते हैं ट्वेंटी सिक्स पर कि कार्ल और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है या फिर या फिर पीटर वर्ग ने या फिर इलाइन दुर्खीम ने किसने दिया है बताइए आप इसका आंसर क्या बताएंगे क्या बताएंगे कार मान ने दिया है और इनकी जो पुस्तक है ना इनकी जो पुस्तक है जो है कि इनकी इनकी पुस्तक पुस्तक क्या है इनकी है मैन एंड सोसाइटी ठीक इनकी पुस्तक क्या है मैन एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है ट्वेंटी सेवन पे चले कि प्रच्छन्न सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है सायास परिवर्तन ऐच्छिक परिवर्तन समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना परिवर्तन या उपयोग में से कोई नहीं तो जो है, इसका आंसर आप क्या देंगे समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना परिवर्तन ही प्रछन्न सा, प्रछन्न सामाजिक परिवर्तन है ठीक है इसका आंसर आप क्या देंगे ऑप्शन सी ट्वेंटी एट पे चले कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है तो अगर ऑप्शन देखे हार्बर्ट स्पेंसर सामाजिक है, या बिग गार्डन चील्ड ये नौ उद्विकाशीय सिद्धांत के हैं या हाइट सांस्कृतिक विकास ऊर्जा का समुचित प्रबंधन या जूलियट स्टीवर्ड चक्रीय सिद्धांत तो इसका आंसर आप क्या देंगे बताइए तो जो ये जो ये है ना ये जो कि जूलियट जो है ये जूलियट स्टीवर्ट जो है ना इन्होंने चक्रीय सिद्धांत नहीं दिया है ठीक इन्होंने क्या किया है इन्होंने चक्रीय सिद्धांत ना देकर इन्होंने क्या किया है बहुरेखीय विकास का सिद्धांत दिया है क्या दिया है रेखीय विकास का सिद्धांत इन्होंने क्या किया है बहुरेखीय विकास का सिद्धांत जो है कि दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वहीं पे हार्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया है सामाजिक का दिया है, गार्डन चिल्ड ने क्या किया है? नौ विकास सिद्धांत दिया है और लेस्ली हाइट ने क्या किया है सांस्कृतिक विकास ऊर्जा का समुचित प्रबंध दिया है लेकिन जूलियट स्टीवर्ड ने क्या किया है बहुरेखी विकास का सिद्धांत दिया है न कि चक्रीय सिद्धांत दिया है तो आंसर क्या होगा डी ये गलत है क्वेश्चन नंबर हम ट्वेंटी नाइन पे चले कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी तो 2018 से 2028 तक या फिर 2020 से 2030 तक 2021 से 2030 तक या फिर 2019 से दो तक तो ये क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जो है कि ये 2021 से 2030 तक और किसने जो योगी मुख्य जो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है कि ये जो है कि ये योजना लागू किया गया था यह जनसंख्या नीति को क्या किया गया था 2021 से 2030 तक जो है कि लागू किया गया था किसके द्वारा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कि चलिए अब तीस पे चले कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादक प्रवर्तन थे कौन थे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक थे डाल्टन मालथस हेनरी या, या फिर क्या थे या डार्विन तो जो ये अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है ना इसके प्रतिपादक कौन थे तो डाल्टन थे कौन थे डाल्टन ठीक तो आंसर आप क्या देंगे ऑप्शन ए चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम किस चले? 31 पे चले थर्टी वन पे कि जेंडर विभेद का प्रमुख कारण है ठीक जेंडर विभेद यानी जो कि कहते हैं ना कि जैसे कि प्रति समाज आर्थिक विभेद बच्चा पैदा करना या व्यक्तित्व विशेषता तो जेंडर विभेद का प्रमुख जो कारण होता है ना वो प्रतिसतात्मक होता है जो हमारे समाज में क्या है प्रति ही है यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों का नाम जो होता है ना पिता के द्वारा जोड़ा जाता है तो ये मुख्य कारण ही ये क्या है कि प्रतिशत्तात्मक समाज थर्टी टू पर चले कि इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है पुनरावर्ती विकास समरेखीय उद्विकास या चक्रीय उद्विकास या प्रतिवर्ती उद्विकास थर्टी टू का आंसर आप क्या देंगे तो जो थर्टी टू है इसका आप आंसर क्या देखें जो चक्रीय उद्विकास सिद्धांत है ना ये जो है कि ये इसको जो है कि इस बात पे बल देता है कि देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है और एकाधिक बार यानी बार बार एक बार नहीं वो बार बार पहले वो एक चक्र के समान क्या होता है घूमता रहता है तो आंसर सी होगा इसका थर्टी थ्री पे चले कि निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जन रीति है नमस्ते करना अंतर विवाह या एक वा तो देखिए सामाजिक नियंत्रण की जब बात करें ना तो जो कि अगर सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो जो ये नमस्ते करना होता है ना ये क्या है ये सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है इसमें क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट कर रहा है उसका आदर कर रहा है इस चीजों को क्या करता है अगर वो नमस्ते करके उसके सामना स्वागत करता है तो इसमें उसको एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत ही आता है थर्टी फोर पे चले कि किसने सभ्यता के चुनौती हम प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और नाल टाइन भी सोरोकिन पीएम या आर्बन डब्ल्यू या पेरेटो पीवी क्या इसका आंसर आप क्या देंगे कि अर्नाल्ड टाइनवी चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है अर्नाल्ड टाइनवी महोदय ने किया है ओके चलिए किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक में वर्गीकृत किया है ठीक थर्टी फाइव का अगर ऑप्शन देखें ऑप्शन डी एस एम लिस, लिस क्या है लिपसेट लिप ठीक तो इसमें आप आंसर क्या देंगे जो पी ए सरोकिन है ना इन्होंने ही क्या किया है दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में किया है सामाजिक गतिशीलता को दो रूपों में वर्गीकृत किया है कि सरोकिन ने थर्टी सिक्स कि जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलता है तो उसे क्या क्या कहा जाता है ठीक प्रसंस्कृतिकरण प्रसारण या संस्कृति विनियम या सांस्कृतिक आक्रमण थर्टी सिक्स में क्या आप बोलेंगे इसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आप प्रसारण जब एक जो होता है ना संस्कृति का लक्षण समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में ठीक एक समाज से दूसरे समाज में जब ये फैलता है तो उसे क्या है? उसे क्या कहते कहते हैं हैं प्रसारण थर्टी सेवन में चले कि मलेरिया रोग में शरीर का ताप ज्वर होता है नाइंटी एट डिग्री फॉरनाइंटी एट पॉइंट एट डिग्री फॉर या फिर न, आ, एक सौ दो डिग्री फॉर्ना या फिर एक सौ पांच डिग्री फरनाहाइट या फिर एक सौ दस डिग्री फॉर्ना तो जो मलेरिया बुखार होता है ना उसमें क्या होता है उसमें जो तापमान हो जाता है ना जो मलेरिया रोग है इसमें जो बुखार होता है जिसे शरीर का तापमान होता है क्या हो जाता है एक सौ दस डिग्री फॉर्न हाइट पे जो होता है कि पहुंच जाता है तो आंसर आप क्या देंगे ऑप्शन डी एक बार चेचक हो जाने के बाद प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है क्यों क्यों एक बार अगर किसी व्यक्ति को चेचक हो गया तो दोबारा उस व्यक्ति को चेचक होने की संभावना नहीं रहती है तो क्यों अगर ऑप्शन देखे तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण या फिर कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण या अर्जित प्रतिरक्षा के कारण या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण बताइए थर्टी एट में आंसर आप क्या देंगे तो जो व्यक्ति होता है ना एक बार अगर उसको चेचक हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है उसमें जो चेचक के रोग प्रति ना लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है यानी अब वो क्या कर लेता है वो प्रतिरक्षा अर्जित कर लेता है उस रोग से लड़ने का तो इसका आंसर आप क्या देंगे अर्जित प्रतिरक्षा के कारण जो है कि एक बार अगर व्यक्ति को चेचक हो जाता है तो दोबारा उसमें क्या होती है कि चेचक नहीं होता है थर्टी नाइन पे चले कि दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है धारा नौ धारा दस धारा ग्यारह या फिर धारा तेरह बताइए किसमें दिया गया है तो जो दहेज संबंधी नियम बनाने तो राज्य सरकार द्वारा जो शक्ति किस जो शक्ति है ना वो धारा किस में दिया गया है तो वो धारा दिया गया है किसमें तो धारा क्या है कि दस में दिया गया है ओके धारा दस में जो है कि ये दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु तो राज्य सरकार द्वारा सख्ती दिया गया है तो धारा दस हमारा आंसर होगा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे चले कि अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम है पारिवारिक विघटन व्यक्तिक विघटन शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि या फिर उपयुक्त सभी तो अंतर पीढ़ी के कारण क्या होता है तो अंतर के जो है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है उपयुक्त सभी होगा

उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत गरीबी है ठीक तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत गरीबी है तो आप ऑप्शन अगर देखें हम इसका तो फोर eh, प्रतिशत या थर्टी 39.19 पॉइंट सेवेंटी प्रतिशत या थर्टी पॉइंट सेवेंटी प्रतिशत आप इसका आंसर क्या देंगे जो कि जो कि गरीबी सूचकांक 2021 में ठीक जो जारी की गई है उसमें क्या है थर्टी सेवन पॉइंट कि प्रतिशत गरीबी है उत्तर में। 42 पे कि वार्ता करना या फिर समझौता बताइए झगड़ा अगर कोई व्यक्ति आपस में हो रहा है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है तो उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है कि समझौता ठीक दोनों पक्ष के बीच में कि क्या करना है कि समझौता कर देना कि कुछ चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज करिए कुछ चीजों में दूसरा व्यक्ति कम्प्रोमाइज करे और उस कम्प्रोमाइज के द्वारा उन लोगों में क्या किया जा सकता है कि समझौता करा के उन लोगों को जो कि झगड़ा को सुलझाया जा सकता है फोर्टी थ्री पे चले कि सौदायिक क्या है पुरुष धन है स्त्री धन है पुत्र धन है या इनमें से कोई नहीं तो जो सौदायिक होता है इसका आंसर आप क्या देंगे इसका आंसर आप देंगे कि सौदायिक जो होता है ना वो क्या होता है वो होता है स्त्री धन क्या होता है सौदायिक क्या होता है स्त्री धन स्त्री को प्राप्त धन ही सौदायिक धन कहलाता है ये धन क्या होता है स्त्री को प्राप्त होता है ठीक ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर पे चले कि वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं एक्सोगी गोत्र एक्सोगी एंडी या सपिंड जिसे व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह ढूंढना होता है ठीक अपने समुदाय में ही वो व्यक्ति को क्या करना होता है विवाह करना होता है तो अगर हम वही विवाह की बात करें अगर अपने समुदाय से बाहर अगर उस व्यक्ति को विवाह करें तो उसको एक्सोगी करेंगे लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने समुदाय में अपने जाति अपने धर्म में विवाह कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा एंडोगी कहलाएगा ओके तो आप आंसर क्या देंगे एंडोगी एक्सोगी कब कहलाएगा ये क्या है ये इसको बही विवाह यानी वो अपने जाति से बाहर क्या करेगा व्यक्ति अपने जात से बाहर शादी करना ठीक अपने जात से क्या जात से बाहर शादी करेगा तो वो क्या कहलाएगा लाएगा एक्सोगी चलिए फोर्टी फाइव पे चले कि भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है फोर्टी फाइव का ठीक तो अगर ऑप्शन देखें तो प्रोफेसर डब्ल्यू आई टॉमस द्वारा या प्रोफेसर एली द्वारा या फिर या फिर क्या है कि प्रोफेसर प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेसकोट द्वारा उपयुक्त सभी के द्वारा इसका आंसर आप क्या देंगे जो ये प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस कोर्ट द्वारा जो है कि इसको क्या किया गया था इसको जो है कि वर्गीकरण किया गया था और क्या है ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है क्या है एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं क्या है ये क्या है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं विद्वान है ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर्टी फाइव पे फोर्टी सिक्स पे चले कि बालक का डैश बालक का पहला ढालने वाला मोल्डर है सोशल मीडिया जल परि जल या परिवार या रेत तो जो बच्चा होता है ना उसको पहला या पाठशाला कहे या फिर उसको पहले समाज में ढालने वाला कहे या फिर पहला जो है है उसका जो है कि सामाजिककरण कहाँ से स्टार्ट होता है तो जो परिवार होता है ना ये क्या होता है बालक का पहला ढालने वाला क्या होता है पहला मोल्डर होता है पहला परिवार को समाज के में जो है कि परिवार न, बच्चे को समाज में रहने के लिए जो सिखाता है कौन सिखाता है परिवार ही सिखाता है उसको समाज में कैसे व्यवहार करना है कैसे अपना जीवन यापन करना है आगे तो ये सब चीजें परिवार से ही स्टार्ट होती है उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है परिवार से समाज में जो है कि अपनी आदतों को जो है कि विकसित करते जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी चलिए 45 A 7 पे चलें कि यह डैश या परिवार का आरंभिक उपचरण है सेवानिवृत्ति विस्तारण चरण या द्वितीय प्रतिलाभ या प्रतिष्ठान की अवधि सेवानिवृत्ति ठीक विस्तारण चरण या वित्तीय प्रतिलाभ या प्रतिष्ठान की अवधि तो ये परिवार का आरंभिक उपचरण की बात कर रहा है तो जो विस्तारण चरण होगा ना यह परिवार का क्या है कि आरंभिक उपचरण है कौन सा तो विस्तार का विस्तारण या विस्तारण चरण अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे चलें कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है ठीक तो अगर ऑप्शन देखें तो विटामिन बी वन विटामिन के विटामिन डी और विटामिन सी तो आप इसका आंसर क्या देंगे जो रक्त का थक्का होता है रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता होता है तो विटामिन के ठीक तो इसे रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होता है और ये क्या करता है प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय भी करता है ठीक वहीं पे विटामिन बी उनको क्या बोलते हैं थायमिन बोलते हैं और इसकी कमी से क्या होता है बेरी बेरी रोग होता है ठीक और विटामिन डी की कमी से क्या होता है तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है ठीक वहीं पे विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी ठीक स्कर्वी होता है और डी एक के कमी से क्या होता है रक्त का थक्का थक्का नहीं जमता है ठीक रक्त का थक्का जमता नहीं है ठीक रक्त का क्या हो जाता है थक्का जमता नहीं है और विटामिन बी वन की कमी से क्या हो जाता है विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी क्वेश्चन नंबर पे चले कि माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय गतिविधि है क्या है नरम स्पंदन या फिर, फिर लाइटनिंग तो जो माँ जो एक गर्भवती स्त्री होती है अगर उसके पेट में जो है कि अगर कोई बच्चा उसका पेट में अगर उसका बच्चा है और वो क्या कर रहा है कि अगर उसको जो है कि उसको मूवमेंट कर रहा है तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं स्पंदन कहते हैं जो वो महसूस सक्र जो करती है जो माँ महसूस करती है बच्चे के आ, एक्टिविटीज को उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं स्पंदन चलिए पे चलें कि के दौरान योनिश्राव को क्या कहा जाता है फ्लेम एक्स्यू एक्स्यूडेट या लाचिया या डिस्चार्ज तो जो प्रसुता के प्रसुतावस्था प्र, 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 के दौरान जो योनिश्राव जो होता है ना उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है क्या उसको कहा जाता है लाचिया क्या कहा जाता है उसको उसको लाचिया कहा जाता है ठीक फिफ्टी का आंसर आप क्या देंगे लाचिया चलिए अब बात करें हम किस पे लाचिया हो कहा जाता है अब बात करें हम फिफ्टी वन पे ठीक निम्नलिखित में से किसे एक के अलावा अन्य प्रश्नों के प्रेरण के विरोधी है तो अगर ऑप्शन देखें तो क्या है समय से पहले झिल्ली का टूटना प्लेसेंटा प्रीबिया सेफा, डिस्प्रोपोशन या कार्ड प्रोलैप्स प्रो, प्रो, क्या कहलाता है तो अगर निर्धारित समय निखित में से प्रसव के प्रेरण विरोधी हैं एक को छोड़कर तो क्या समय से पहले क्या हो गया अगर गर्भवती स्त्री का समय से पहले क्या हो गया अगर झिल्ली का टूट जाना ही प्रसव प्रेरण विरोधी है इसमें से बाकी सभी क्या है ये प्लेसेंटा से सेफालो पब्लिक डिस्प्रोपोर्शन या कार्ड फ्लोपैक्स ये क्या है ये सभी जो है कि ये एक जो है कि ये क्या है एक सभी प्रसव प्रेरण के विरोधी है कि सभी प्रेशर सर 51 का एक बार फिर से कुछ चीजें हैं जो कि फिफ्टी वन पे देखें कि निम्न में से किसी एक के अलावा अन्य सभी प्रसव प्रेरण के विरोधी हैं तो क्या है समय से पहले झिल्ली का टूटना या प्लेसेंटा प्रिब्रिया या सेफालो सेफालो पैब्रिक डिस्प्रो या कार्ड प्रो तो इसका आंसर आप क्या देंगे समय से पहले जो है ना झिल्ली का टूटना ही इसमें से एक क्या है इसका आंसर क्या होगा ये ये इसका आंसर नहीं इसके में से अलग है ये ये समय से पहले झिल्ली का टूटना इससे अलग है तो आंसर आप देंगे ऑप्शन ए 52 पे चले कि गर्भावस्था के दौरान उल्टी का गंभीर प्रकार जो मां के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है क्या कहलाता है इमेसिस ग्रेविडेरम सुबह की बीमारी या कोरिया ग्रेविडेरम या हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम तो ये क्या कहलाता कह है ये कहलाता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम ये एक ऐसी अवस्था है जैसे कि कोई स्त्री अगर गर्भावस्था के स्टार्ट होने से तीन महीना तक क्या होता है उस स्त्री को जो है कि अगर उल्टी होती रहती है ठीक तीन महीना तक अगर तीन महीने के बाद तक भी अगर उल्टी होती रहे तो उस अवस्था को क्या कहते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविटे में वैसे तो, तो गर्भावस्था में उल्टी होना नॉर्मल बात है ठीक लेकिन अगर वो अवस्था महीना के बाद तक भी अगर उस स्त्री को उल्टी होता है तो उसके लिए नुकसानदेह है और बच्चे के लिए भी क्या हो जाता है बच्चे के जान का भी खतरा हो जाता है उस व्यवस्था में क्या होता है न उस स्त्री को ही पोषक तत्व प्राप्त हो पाता है और न ही उस बच्चे को ही पोषक तत्व की प्राप्त होती है और पोषक तत्व की कमी के कारण क्या हो जाता है बच्चे का जो है कि जो है कि जान को खतरा हो जाता है तब बच्चा की मृत्यु भी हो सकती है तो ये हाइपोमरम क्या है एक प्रकार का जो है कि उल्टी है जिसकी प्रसव के दौरान अगर स्त्री को होता दोलती है दोलती 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 दोलती। और इसमें क्या हो करना चाहिए इसमें डॉक्टर से क्या होता है कि तुरंत सलाह लेना चाहिए अगर तीन महीने के बाद तक की भी अगर स्त्री को उल्टी होती है तो उसे अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज कराना चाहिए चलिए 53 पे चले कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम टीकाकरण कार्यक्रम के अनुरूप बीसीजी वैक्सीन बच्चों को कब दिया जाता है जन्म के समय छ माह की आयु में एक वर्ष की आयु में या फिर दस वर्ष की आयु में तो देखिए जो बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है ना ये बीसीजी जो है ना ये कब दिया जाता है तो बच्चे के जन्म के समय जन्म के कुछ दिन कुछ घंटों बाद या चौबीस घंटे के अंदर जो है कि इसको दिया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 54 पे चले सी की शुक्र जन्म नलिका डैश में उपस्थित होती है शुक्रवाइका में विषण में पुटिका में या प्रोस्टेट ग्रंथि में तो जो शुक्र जनन नलिका होती है ना ये कहाँ होती है ये होती है वृषण में ठीक ये वृषण में होती है तो आंसर आप इसका क्या देंगे वृषण 54 पे चले 55 पे चले कि चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है नाइल, या हर्पस सिंप्लेक्स या राइनो वायरस बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे तो जो चेचक या चिकन पॉक्स होता है ना ये क्या है इसके जो वायरस होता है इसके वायरस को नाम क्या देते हैं आप देते हैं वेरी शेला वायरस ओके okay? आंसर बी चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चले कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है इसे कहा जाता है रेमेटेंस रेमिटेंस बुखार Qoditon, या साधारण बुखार या हड्डी तोड़ बुखार या एबस्टिन बुखार तो जो डेंगू बुखार होता है ना ये एक मच्छर जनित बुखार होता है और इसमें इसे क्या कहा जाता है जो एक विषाणु से होता है किससे होता है तो विषाणु से होता है और क्या होता है इसमें इसे क्या कहा जाता है तो इसे क्या कहा है जाता है हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है ठीक फिफ्टी सेवन पे चले कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है तो अगर ऑप्शन देखें तो डेंगू बुखार जुकाम हैज़ा या फिर एड्स तो जो हैज़ा है ना ये हैज़ा जो है ये क्या है ये हैज़ा जो है जीवाणु जनित रोग है जीवाणु जनित है ठीक ये जीवाणु जनित रोग है ठीक बाकी सभी क्या है विषाणु जनित रोग है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी फिफ्टी सेवन का क्या हो जाएगा? चलिए अब 58 पे चले कि क्या है फिफ्टी एट पे की कि किशोरा अवस्था एडोलसेंस जिसे बोलते हैं ठीक शब्द लैटिन क्रियापद एडोलसेंस से लिया गया है जिसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है समझ वास्तविकता या विकास या पक्वता की ओर तो इसका अर्थ होता है एडोलसेंस यानी अब बच्चा वो जो छोटा बच्चा था अब वो क्या हो गया वो पूर्ण विकसित हो गया है और वो परिपक्वता की ओर वृद्धि कर लिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 59 पर चलिए कि सूर्य की किरणों से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है विटामिन के विटामिन ए विटामिन ई या विटामिन डी तो सूर्य की किरणों से हमें क्या प्राप्त होता है विटामिन डी ठीक जिसे विटामिन डी जो कि हमें क्या होता है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है वहीं पे अगर हम विटामिन के की की जो है कि अगर थोड़ा सा बात करें कि रासायनिक नाम की तो विटामिन के को जो है कि रासायनिक नाम क्या है नेपथो क्यूनोन इसे क्या बोलते हैं विटामिन ए का जो बोलेंगे क्या है कि विटामिन ए को रेटिनॉल बोलेंगे क्या बोलेंगे रेटिनॉल विटामिन ई e को बोले के क्या टेकोफेरॉल ठीक विटामिन ई e को क्या बोलेंगे टेकोफेरॉल और वहीं पे अगर विटामिन डी की बात करें तो इसको क्या बोल देंगे कैल्सीफेरॉल ठीक वहीं पे विटामिन डी को क्या बोला जाता है कैल्सीफेरॉल चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्टी नाइन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी सिक्सटी पे चलें कि मानव विकास, 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 तो विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है विकास का अर्थ एवं परिभाषा विकास की विशेषताएं विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर या उपयुक्त सभी तो इसका आंसर आप क्या देंगे इसका आंसर आप देंगे कि मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय क्या है विकास का अर्थ एवं परिभाषा ठीक वहीं पे बात करें विकास की विशेषताएं विकास एवं वृद्धि में अंतर या और क्या उपयुक्त सभी होंगे ठीक चलिए सिक्सटी वन पे चले कि जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो क्या होता है रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है या श्वसन क्रिया आरंभ होती है या फिर वो भूखा होता है उसे दर्द हो रहा होता है तो अगर बच्चा जन्म लेता है और अगर उस समय वो बच्चा नहीं रोता है तो उस अवस्था में उसकी श्वसन दर क्या हो जाती है रुकी रहती है लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर के द्वारा बच्चे को पीठ पे उसके पीछे क्या कर थपा कर उसको क्या किया जाता है जोर से मारा जाता है उसकी श्वसन क्रिया को क्या किया जाता है शोषण क्रिया को आरंभ करने के लिए उसको मारा जाता है जिसे बच्चा जोर की आवाज के साथ रोता है और उसी के साथ उसकी शोषण क्रिया क्या हो जाती है चालू हो जाती है तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा सिक्सटी टू पे चले कि विकास डैश विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति तीव्र धीमी प्रेरणा या औसत तो सिक्सटी टू का आंसर क्या देंगे सिक्सटी टू का आंसर आप देंगे टू का आंसर आप क्या देंगे जो कि प्रेरण प्रेरण विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम थ्री पे चले चार माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है चार माह के तो दोगुना तिगुना आधा या उपयुक्त में से कोई नहीं सिक्सटी थ्री का आंसर आप क्या देंगे तो 63 का आप आंसर क्या देंगे चार माह की अवस्था में बालक क्या हो जाता है दुगुना नौ माह में क्या हो जाता है तीन चार माह में दुगुना हो जाता है चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 64 पे चले कि दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस ऑफ एच परिपेट प्रिपेटेड होती है ठीक प्रिंसिपेटेड होती है पीएच 6.5 पर पीएच 4.6 पर या फिर पीएच 7.5 पर या पीएच 3.0 पे बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे तो इसका आंसर आप देंगे क्या जो पीएच जो है ना 4.6 जो है ना इसका आंसर होगा पीएच जो है कि 4.6 पर जो है कि इसका आंसर होगा चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 पे चलें कि आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जाता है एक से दो दिन ठीक एक से दो सप्ताह तीन से चार सप्ताह या बारह सप्ताह तो आमतौर पर जो वायुमंडली स्थितियों में जो मांस मंचली होती है ना ये नश्वर खाद्य पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं ये नश्वर खाद्य पदार्थ होते हैं ठीक ये नश्वर होते हैं ये क्या होते हैं बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं इसमें दुर्गंध आ जाता है ठीक इसको क्या किया जाता है एक से दो दिन तक ही संरक्षण किया जा सकता है आप आंसर क्या देंगे ए एक से दो दिन तक ही इसे संरक्षित किया जा सकता है उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है दालों और फलियों में अंडे और मीट में अनाज और मिलिट में या फिर सब्जियों और फलों में बताइए 66 का आंसर आप क्या देंगे 66 के आंसर की बात करें तो जो दाल और फलियां होती है ना इसमें क्या होता है उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन पाया जाता है उपस्थित होता है चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेवन पे चले कि लौंग में सक्रिय मूलक तत्व है थाइमा, या साइन, साइन, ओल या तो जो लौंग होता है ना उसमें क्या पाया जाता है उसमें होता है क्या उसमें होता है यूजिनॉल ठीक एक प्रकार का उसका गंध उसमें होता है जो लौंग में गंध के लिए ये क्या होता है ये यूजीनोल जो होता है ये यूजिनॉल जो होता है कि जिम्मेदार होता है सिक्सटी एट पे चले एक मात्र जिसमें कैरोटीन पाया जाता है पीली मक्का गेहूं बाजरा या चावल हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो पीला पदार्थ होता है उसमें क्या होता है विटामिन ए की मात्रा पाया जाता है ठीक और हमारा यहाँ मक्का क्या है पीला है तो इसमें कैरोटीन की मात्रा क्या होगी पाई जाएगी ठीक जो इसमें क्या है कि कैरोटीन की मात्रा पाया जाएगा किसमें तो पीली मक्का में सिक्सटी नाइन पे चले कि पानी में डालने पर ताजा अंडा क्या होगा अगर अंडा ताजा है तो क्या होगा नीचे बैठ जाएगा तैरने लगे ये भी और दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं अगर अंडे की जांच करनी है कि अंडा ताजा है या बासी है ठीक तो वो अंडा की अगर क्या करेंगे हम अंडे को पानी में डालते हैं ठीक पानी में डालते हैं तो अंडा ताजा होगा तो क्या होगा वो नीचे बैठ जाएगा लेकिन वही अंडा अगर ज्यादा दिन का होगा तो वो अंडा क्या होगा वो पानी में तैरने लगेगा तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि नीचे बैठ जाएगा ताजा अंडा होगा तो तो आंसर ऑप्शन ए सेवेंटी पे चले कि एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित स्थितियों में से किस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है एपिगैस्ट्रिक दर्द पीठ की ओर होने वाला दर्द मरोड या मरोड़ या हार्ट बर्न तो देखिए अगर एक गर्भवती स्त्री है ठीक और वो महिला का जो है कि उसको किस और किस पे ज्यादा ध्यान देना है तो जो एपिक गैस्ट्रिक दर्द होता है ना हमें ये क्या है इस पे ध्यान देना चाहिए ये क्या होता है कि जब जो अधिक दबाव पड़ता है उसके पेट पे ठीक तो उस अवस्था में क्या हो जाता है ये एपिक दर्द जो होता है उसको उत्पन्न हो जाता है ये क्या हो जाता है अधिक दबाव के कारण ठीक अधिक पेट पे क्या होता है उसको पेट पे अधिक दबाव के कारण पेट पे अधिक दबाव के कारण क्या हो जाता है एपिगैस्टिक गैस्ट्रिक दर्द उत्पन्न हो जाता है तो आंसर आप इसका क्या देंगे सेवेंटी का सेवेंटी का आंसर आप देंगे जो कि दर्द ठीक पेट के क्षेत्र में ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलें सेवेंटी वन पे कि माताओं के पच्चीस प्रतिशत मौती या मातृ मृत्यु का कारण है संक्रमण प्रसूति रक्तस्राव और स्वच्छित गर्भपात या एकलपशिया क्या होगा 71 का आंसर तो 70 का क्या आंसर देंगे कि प्रसूति जो रक्तस्राव होता है ना 25 प्रतिशत माताओं का जो है कि मृत्यु का जो है कि कारण यही होता है प्रचुति रक्तस्राव ऐसा स्राव होता है जो कि एक स्राव तो एक प्रकार से देखो तो बाहरी श्राव होता है और एक क्या हो जाता है आंतरिक श्राव जो बाहरी श्राव होता है उससे तो उसको देखते हैं तो उसके अनुसार उसको मेडिसिन दिया जा सकता है लेकिन जो आंतरिक श्राव होता है ये खतरनाक होता है ये क्या है ये एक प्रकार का आंतरिक जो होता है आंतरिक श्राव आंतरिक जो रक्त श्राव होता है ना जो गर्भवती स्त्री को आंतरिक रक्त श्राव होता है तो उस अवस्था में जो होता है ये जो है कि जो है कि ये मातृ मृत्यु का कारण क्या है रक्तस्राव जो कि आंतरिक आंतरिक होता है तो आंसर आप क्या देंगे 71 का 71 का बी चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चले 72 पे कि विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग के माता-पिता की और आकर्षित होते हैं जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव तो देखिए विकास की एक अवस्था ऐसा आता है जो अगर ऑप्शन देखें नार्सिपटिक सिस्टिक अवस्था या ओडिपस कॉम्प्लेक्स या होमोसेक्सुअल अवस्था या हेट्रोसेक्सुअल अवस्था तो एक अवस्था ऐसा आता है कि जब अगर पुत्री है तो क्या करती है वो पिता के प्रति ज्यादा लगाव रहेगा उसका वो सिर्फ पापा पापा करके का जो है कि चमचागिरी तो एक प्रकार का कौन सा कहलाता है ओडिपक्स कॉम्प्लेक्स कहलाता है ठीक क्या कहलाएगा ओडिपक्ष कॉम्प्लेक्स कहलाएगा तो आंसर हमारा बी होगा चलिए 73 पर चलिए कि बच्चों का विकास निम्न परिणाम है सिर्फ सीखने का सिर्फ परिपक्वता का सिर्फ व्यक्तिक विभिन्नताओं का या सीखना और परिपक्वता का तो जो बच्चों का विकास का होता है ना ये क्या होता है ये सीखना और परिपक्वता ये दोनों के फल स्वरूप क्या होता है? होता है बच्चों का विकास होता है बच्चों का विकास क्या होता है सीखना और परिपक्व का परिपक्वता का देन है ठीक क्या बच्चों का विकास चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेवेंटी फोर पे चले कि मोनोसोडियम ग्लू ग्लुटामेट सॉरी मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है तो अगर ऑप्शन देखें नमक हल्दी अजिनोमोटो या जीरा तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ना ये क्या एक प्रकार अजिनोमोटो का ही क्या है एक रासायनिक नाम है और ये विशेष करके चीन और जापान में क्या किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है वहां के खाद्य पदार्थों में इसको विशेष करके यूज किया जाता है तो मोनो अजिनो मोटो अजिनो मोटो कहलाएगा ओके चलिए 75 पे चलिए कि बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला डैश है एम ए सी ए एम ए सी ए या फिर एम ए सी ए गुणे 100 तो जो देखिए जो बुद्धि लब्धि होती है ना वो निकालने का वो क्या फार्मूला होता है वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु ठीक एम ए और सी ए मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा डी अब चले सेवेंटी सेवन पे सेवेंटी पे भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है ब्रेल भाषा किसके द्वारा प्रयोग की जाती है बोलने में बाधा सुनने में कमी देखने में कमी या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखिए जो ब्रेल भाषा होता है ना बोलने में बाधा इसमें नहीं संबंधित है वहीं पे सुनने में कमी ये भी नहीं है और देखने में कमी ये भी नहीं होगा क्योंकि ब्रेल भाषा जो होता है ना पूर्ण रूप से जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनके लिए ये ब्रेल भाषा का प्रयोग जो है कि प्रयोग किया जाता है तो इनमें से कोई सेवेंटी सिक्स का चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले क्या है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन पे कि शिशु के शिशु किस, किस आयु में वास्तव आसक्ति बंधन के साक्ष वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं जन्म से या फिर चार से छह माह पर या छह से आठ माह पे या आठ से दस माह पे कब करते हैं तो ये कब दे करते हैं बच्चे तो जो बच्चे ये है ना शिशु क्या है कि वास्तविक वियोग जो होता है ये क्या करते हैं आठ से दस माह पे ये जो है कि आसक्तिक बंधन के साक्ष वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं आठ से दस माह पर कोष आयुग में सही है एच बी आई जी एड्स बी सी जी छोलियोस या डीपीटी तो देखिए जो कि ये बीसीजी जो है ना ये बीसीजी जो है यही एक सुमेलित है वहीं पे एच बी आई जी की बात करें एच बी आई जी की बात करें तो ये क्या है हेपेटाइटिस बी से संबंधित है ठीक बी है ठीक वहीं पे अगर हम बात करें कि की ये ये क्या है? ये पोलियो है। पोलियो पॉटुसिस नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा पोलियो और डीपीटी डीपीटी का मतलब क्या होगा डिप्थीरिया, काली खांसी और क्या होगा टीटनेस खांसी और टिटनेस ठीक तो ये भी आपका क्या है गलत है आंसर क्या हो जाएगा छह रोग बीसीजी ये सही है सेवेंटी एट पे चले सेवेंटी नाइन पे चले हाँ सेवेंटी नाइन पे चले कि इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है डीपीटी बीसीजी पोलियो या हेपेटाइटिस ए तो देखिए जो पोलियो का जो होता है ना पोलियो जो होता है बच्चे को मौखिक रूप में पिलाया जाता है ठीक ये मौखिक रूप में पिलाया जाता है बच्चे को चलिए सेवेंटी नाइन के बाद पर चले कि मूल संवेग है खुशी गुस्सा गर्व दुख शर्म ग्लानी या ग्लानी जो बच्चे में क्या होता है मेन मुख्य मूल संवेग क्या होता है जो मूल संवेग होता है ना वो क्या होता है वो होता है खुशी और गुस्सा क्या होगा खुशी और गुस्सा जो होता है ये मूल संवेग होता है तो आंसर ऑप्शन क्वेश्चन 80 का क्या देंगे आंसर खुशी और गुस्सा 81 पे चलें कि निरंतर भग्नाशक स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है वो संतुषी व्यवहार का हो जाता है या फिर इच्छाएं कामनाएं करना बंद कर देता है या व्यक्तित्व तो विघटन हो जाता है या उपरोक्त तो सभी आप आंसर इसका क्या देंगे आप इसका आंसर क्या देंगे इसका आंसर देंगे ऑप्शन सी जो कि व्यक्तित्व विघटन हो जाता है इसमें क्या हो जाता है व्यक्तित्व विघटन हो जाता है और साथ ही क्या होता है साथ ही मानसिक रूप से विपक्षित हो जाता है क्या हो जाता है मानसिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है व्यक्ति मानसिक रूप से विपक्षित हो जाता है क्या हो जाता है मानसिक रूप से विपक्षित ठीक सांस्कृतिक द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं शारीरिक रेचन मानसिक रेचन स्वतंत्र अभिव्यक्ति या संवेगात्मक रेचन एटी टू का आंसर आप क्या देंगे एटी टू का देंगे आप क्या कि जब दमित संवेगो की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं उसे कहा जाता है मानसिक मानसिक रेचन। रेचन। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उसे आप रेचन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे कि शिशु को ठोस आहार देना आरंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं छोटे बच्चे को जब ठोस आहार देने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे आहार आयोजन पूरक आहार संतुलित आहार या मिला जुला आहार तो जो बच्चा होता है ना छोटे बच्चे को जो है शिशु को ठोस आहार देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है उसे कहते हैं पूरक आहार क्या कहेंगे आप उसे कहेंगे आप पूरक आहार. ओके? पूरक आहार आहार ओके जो है कि बच्चे को कब कब से कभ देनी चाहिए बताइए कब से शुरुआत कर देनी चाहिए तो जो बच्चा होता है ना जब छह माह के बाद बच्चे को जो है कि हमें पूरक आहार देने की शुरुआत करनी चाहिए माँ के दूध के अलावा ठीक तो आप आंसर क्या देंगे पूरक आहार 84 पे चलें कि स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर कि गैस कितने महीने तक कराया जाता है तो देखिए स्तनपान जो है ना बच्चे को अगर माँ स्वस्थ है ठीक तो उसे जो है कि छह माह के बाद भी आप उसे करा करा सकते हैं लेकिन अगर बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं पुघ रहा है तो छह माह के बाद आप उसे क्या है अन्य पोषक अन्य आहार भी उसे खिला सकते हैं ठीक तो आंसर आप इसका क्या देंगे सिक्स सिक्स माह के सिक्स माह ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 85 फाइव पे प्रथम चार सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर का कारण है शश्वारोध या जन्मजात असमानता या पूर्णकालिक सभी तो जो प्रथम चार सप्ताह में होता है ना जो शिशु मृत्यु का कारण जो होता है ये सभी होगा उसमें उसमें क्या होता है बच्चे को श्वारोध भी होता है जन्मजात बच्चे को कुछ असमानताएं होती है जो वातावरण के साथ वो क्या करता है वो वातावरण के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता है और पूर्णकालिक भी होगा और आंसर इसका आप क्या देंगे ऑप्शन डी एट्टी का आंसर आप क्या देंगे ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी 86 पे बात करें कि ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का या कसैलापन और खनिज का बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन या बी ग्रुप कसैलापन या बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन का तो जो ब्रान होता है ना ये क्या होता है एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या होता है एक अच्छा उदाहरण होता है ठीक एक अच्छा स्रोत होता है तो आप आंसर देंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है 87 पे पर कि प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करिए तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाएगा सूजी में मूंग दाल में हरी मटर में या शकरकंद में तो देखें अगर बात करें तो प्रोटीन की तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाएगी सबसे अधिक प्रोटीन की बात करें तो आपका किसमें पाया जाएगा तो अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रोटीन सबसे तो अधिक प्रोटीन किसमें होगी हरी मटर में किसमें होगा तो हरी मटर में जो है कि जो है कि हरी मटर में जो है कि सबसे अधिक प्रोटीन होगा या फिर जो है कि मूंग दाल में होगा या फिर किस में होगा आप बताएंगे इसका आंसर क्या बताएंगे तो या सूजी में होगा या शकरकंद में होगा तो देखिए जो सबसे अधिक प्रोटीन की बात करें तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाएगा मूंग दाल में उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा यानी ये हरी मटर आएगा ठीक उसके बाद क्या आएगा आपका सूजी में और उसके बाद से शकरकंद में यानी ऑप्शन ए जो है कि इसका सही आंसर होगा सबसे अधिक मूंग दाल देन हरी मटर देन सूजी और शकरकंद ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर हम एटीन एट पे चले कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण अवधि इसमें से संबंधित है क्या है खाद्य पदार्थ को जो संरक्षण करने की अवधि कितने समय तक उसको संरक्षित किया जा सकता है किस वस्तु के कारण उसको जो है कि संरक्षण की जो अवधि होती है निश्चित किया जा सकता है अगर ऑप्शन देखे क्या कि जल की मात्रा के द्वारा पोषण तत्वों की मात्रा या संरचना या उपयुक्त में से कोई नहीं तो जो खाद्य पदार्थ संरक्षण की अवधि होती है ना ये क्या की जाती है ये क्या जाता है उसकी जल की मात्रा उसमें जल की मात्रा कितना है इस आधार पर उस खाद्य पदार्थ को संरक्षण किया जा सकता है ठीक वहीं पे अगर हम लोग ड्राई फ्रूट की बात करें तो देखिए ड्राई फ्रूट में क्या होता है ड्राई फ्रूट तो में जो तो है कि जल की मात्रा कम होने की वजह से उसको आप ज्यादा दिन तक संरक्षित कर सकते हैं वहीं पे अगर बात करें हम दूध की तो दूध में क्या है जल की मात्रा अधिक है इस वजह से आप क्या करेंगे जल को जो है कि अधिक दिन दूध को जो है कि अधिक दिन तक आप संरक्षित नहीं करके रह सकते एक से दो दिन उसके बाद जल को दूध क्या होगा दूध जो है कि खराब हो जाएगा ज्र

जेली, ठीक या फिर सॉस ठीक सॉस वगैरह क्या किया जाता है इससे इसको डालकर इसमें सॉस वगैरह जैम जेली में इसको डालकर इसको पर किया जाता है तो आंसर आपका बी होगा चलिए 90 पे आंतर आं, पोषण का अर्थ होता है नाश्का नली से भोजन कराना नष्ट द्वारा भोजन कराना या फिर अनुपूरक पोषण या सूखा भोजन तो जो व्यक्ति कोई अगर बीमारी में है या उसे कोमा में चला गया है वो या मुंह के द्वारा भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता है तो उस अवस्था में उसे क्या किया जाता है उसे नाशिका नली के द्वारा क्या किया जाता है भोजन कराया जाता है ठीक उसे क्या किया जाता है नाशिका के द्वारा जो होता है नली के द्वारा उसे लिक्विड पदार्थ को जो है कि उसके शरीर में पहुंचाया जाता है जिससे वो उस व्यक्ति को ऊर्जा मिले तो आंसर आप क्या देंगे नाशिका नली से भोजन कराना ठीक 91 पे चले तो 91 पे क्या है कि एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन एसिड की कितनी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से चुनिए 10 ग्राम 30 ग्राम और 100 ग्राम ठीक यानी 10 ग्राम प्रोटीन 30 ग्राम लव और सौ ग्राम फोलिक एसिड की ठीक अगर पंद्रह ग्राम अड़तीस ग्राम चार सौ ग्राम या फिर पंद्रह ग्राम आठ ग्राम या तीन सौ ग्राम या बीस ग्राम दस ग्राम या पांच सौ ग्राम तो एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को ना प्रोटीन लव और फोलिक एसिड की बात करें तो पंद्रह ग्राम जो होता है उसे प्रोटीन आठ ग्राम लव और तीन सौ ग्राम फोलिक एसिड की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है तो आंसर आप क्या देंगे ऑप्शन सी नाइन्टी टू पे चले कि उच्चतर बुद्धि सॉरी उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है देर के बच्चे होते हैं ना उनके योनि में जो परिपक्वता का जो जो है कि वो क्या होती है वो उनमें क्या हो जाती है वो उनमें समय से जो होता है ना वो पूर्व ही उनमें क्या हो जाता है समय से पूर्व ही आ जाता है ठीक तो आंसर आप ऑप्शन क्या देंगे 92 का बी ठीक तो उसमें क्या हो जाता है वो समय से पूरे बच्चे में यौन एओन परिपक्वता यौनिक परिपक्वता जो होती है आ जाती है 93 पे चलें कि निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे होता है दूध फल प्रोटीन या फिर भसा किससे होता है कोलेस्ट्रॉल का घनिष्ठ संबंध तो कोलेस्ट्रॉल से नाम से ही हम समझ गए कि क्या है ये बसा से संबंधित है ठीक तो आंसर आप क्या देंगे बसा से। 94 पे चले कि विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे पहला लक्षण विकसित होता है विटामिन ए की कमी से वो क्या होता है जीरो रताउदी या मलेशिया? तो देखिए जो विटामिन ए की कमी से अगर कोई व्यक्ति में जो पहला लक्षण दिखता है वो दिखता है क्या वो दिखता है रतावधि ये क्या है ये व्यक्ति का पहला लक्षण है ठीक पहला लक्षण क्या दिखता है रतावधि दिखता है 95 पे चलें कि किस खनिज की कमी से शीशे मृत्यु दर किटनिज्म घेंगा से संबंधित है ठीक क्रिटनिज्म और घेंगा रोग जिंक से तामा से आइडीन से या मैग्नीशियम से तो ये हम लोगों के क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन हम लोगों को बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हम इसका आंसर क्या देंगे आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चों में क्रिटनिज बच्चों में क्या क्रिटिन शिशु मृत्यु दर में क्या हो जाता है क्रिटनिज एवं घेगा से संबंधित है कौन सा आयोडीन की कमी से क्या होता है कि शिशु मृत्यु दर क्रिटनिज एवं घेगा ये सभी इससे संबंधित है किससे आयोडीन की कमी होती है तो बच्चे का क्या होता है बच्चे की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है वहीं पे जो होता है क्रिटनिज्म देखने को मिलता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है कि घेंगा रोग देखने को मिलता है 96 पे पे चले परामर्श परामर्शदाता ठीक की, की विशेषता होती है सहानुभूति गोपनीयता बनाए रखना रुचिकर व्यक्तित्व सभी तो हम लोग बार बार परामर्शदाता के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए एक अच्छे परामर्शदाता के अंदर क्या होनी चाहिए उसके अंदर सहानुभूति भी होना चाहिए उसके अंतर्गत गोपनीयता बनाए रखना भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए उसे रुचिकर व्यक्तित्व वाला भी होना चाहिए ठीक उसके क्या होना चाहिए उसे रुचिकर व्यक्तित्व वाला भी होना चाहिए तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा एक अच्छे परामर्शदाता के गुण हो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 97 पे कि चिकित्सीय परामर्श में सबसे मूल्यवान कौशल कौन सा है सुनना सुनना अवलोकन करना प्रश्न पूछना सहानुभूति रखना या कोई नहीं तो चिकित्सीय परामर्श में सबसे मूल्यवान कौशल कौन सा होता है सुनना और अवलोकन करना प्रश्न पूछना सहानुभूति रखना सहानुभूति रखना या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका आंसर आप क्या देंगे 97 सेवन पे तो सुनना और अवलोकन करना जो है कि परामर्श में सबसे मूल्यवान कौशल क्या होता है हमें दूसरों की बातों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए और फिर उसके बाद क्या है उसके उस पर हम लोग को अवलोकन करना चाहिए ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 97 सेवन का ए एं आंसर होगा अब नाइन्टी एट पे चले कि का गठन कब किया गया था दस अक्टूबर उन्नीस सौ छियालीस ग्यारह दिसंबर उन्नीस या पंद्रह दिसंबर उन्नीस या सात अप्रैल उन्नीस तो देखिए यूनिसेफ की स्थापना जो है ना ग्यारह दिसंबर उन्नीस को हुआ था ठीक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, था वहीं पे अगर इसकी बात करें ना कि भारत के साथ इसका कार्य कब से कर रहा है अगर भारत के साथ बात करें तो 90 क्या 90 40 90 जो है कि 49 से क्या हो रहा है ये भारत के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ठीक भारत के साथ जो है कि ये कार्य कब से कर रहा है तो 1949 से ठीक वहीं पे अगर बात करें कि इसमें परिवर्तन कब हुआ अगर बात करें कि परिवर्तन की परिवर्तन कब हुआ 90 कब कब हुआ इसमें अगर परिवर्तन की बात करें तो 1950 में ठीक 1950 में इसमें परिवर्तन हुआ ओके okay? और उस बाद क्या है कि 1953 में यूनियो का जो है ये स्थापन स्थाई अंग बन गया 90 90 कम 90 जो है कि ये 1953 में यूएनओ का स्थाई सदस्य बन गया ठीक स्थाई सदस्य बन गया ये आप को दिख रहा होगा ना वो हाँ ठीक तो इसकी अगर बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी जो है कि इसको गठन किया गया और उन्नीस में क्या किया गया ये भारत के साथ जो है कि भारत इसका सदस्य बना वहीं पे अगर इसके परिवर्तन की बात करें तो 1950 में क्या हुआ इसमें परिवर्तन किया गया और जो है कि यूएनओ का स्थाई सदस्य कब बना ये तो यूएनओ का स्थायी सदस्यो तो तिरपन में ही जो है कि यूएनओ का स्थाई सदस्य बना ओके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम चले 99 पे कि 99 पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिलाओं और युवाओं के प्रजन स्वास्थ्य देखभाल के लिए उत्तरदायी है ऑप्शन देखिए यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या याब्लू एच तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है ना ये क्या करता है कि ये महिलाओं और युवाओं के प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के लिए उत्तरदायी है तो आप इसका आंसर क्या देंगे ऑप्शन बी यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ओके अब चलिए अब हम अपने हंड्रेड क्वेश्चन पे चलते हैं क्या कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना कब की गई थी नवंबर 1965 नवंबर 1966 दिसंबर 1967 या उपरोक्त में से कोई नहीं तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र विकास यानी यूएनडीपी की जो स्थापना है ना ये 1965 में किया गया था कब किया गया था नवंबर 1965 में तो इस प्रकार हमारा ये हंड्रेड का ये जो प्रैक्टिस सेट था ये कंप्लीट हुआ और आप लोगों को ये प्रैक्टिस भी जो है कि अच्छा लगा होगा और हम जो है कि अब नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट डे हम जो है कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद